मेरा नाम गुलफाम खान था, अब गुलफाम हुसैन है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून, यानी कि मैं जेमिनाई हूँ एकदम पक्की। मेरी स्कूलिंग जुहू में हुई, सिल्वर बीच हाई स्कूल में। मैं मुंबई से हूँ। मेरी फेवरेट मूवी बहुत सारी, मैं आई एम अ मूवी बफ एब्सोल्युटली। सो फेवरेट मूवी पूछना बहुत, बट हाँ, सम क्लासिक्स दैट आई कैन वॉच अगेन एंड अगेन, मुगले आजम, अंदाज अपना, एंड वेल लॉट ऑफ मूवीज, परिचय हो या गोलमाल हो, और मैं बार बार ये मूवीज देखती हूँ। माय फर्स्ट पे, मैं स्कूल में थी जब मैं अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन देती थी, तो मंथली मैं 500 से 700 रुपये कमाती थी। माई फेवरेट एक्टर, अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इंडियन एक्टर्स में आज तक मेरे दो ही फेवरेट हुए हैं, एक हैं संजीव कुमार और दूसरे गोविंदा। सो दे आर माई फेवरेट एक्टर्स अब तक। आगे पता नहीं ऐसा कोई आएगा या नहीं, बट एब्सोल्युटली टैलेंटेड एंड वर्सटाइल एक्टर्स। इन हॉलीवुड देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हुम आई लाइक टू सी, मॉर्गन फ्रीमैन एंड टॉम हैंक्स ऑफकोर्स। फेवरेट एक्ट्रेसेस मेरी बचपन में काफ़ी अरसे तक रही हैं जया बच्चन। आई लव्ड द वे शी एक्टेड, उनकी आँखों में बहुत कुछ दिखता था, ग्लैमर में रेखा, नो वन कैन बीट हर। देन ऑफ लेट दीपिका, बहुत अच्छी एक्टर हैं। सो या, इन इंडियन एक्टर्स देर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस देर आर। हॉलीवुड में मेरिल स्ट्रीप, हैंड्स डाउन, मेरिल स्ट्रीप से अच्छी एक्टर बहुत मुश्किल है मेरे लिए नॉमिनेट करना या पॉइंट आउट करना। मेरा फेवरेट गाना बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, और मैं गा कर नहीं सुना सकती हूँ, आपको सुना कर भगा ज़रूर सकती हूँ क्योंकि मैं गाने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। बट बहुत सारे गाने जो मेरे फेवरेट हैं, उनमें से एक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे भाइयों के कंपोज किया हुआ गाना है, तेरे मस्त मस्त दुल्हन, एक ये है, और सुरीली अखियों वाले गुलजार साहब ने लिखा है, मेरे भाइयों ने कंपोज किया है। इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी। तो साजिद वाजिद भाई का कंपोजिशन है। मेरी शादी 8 साल पहले हुई, 7 साल पहले, टेक्निकली 8 साल हो जाएंगे 1 मई को। सो आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद माई हस्बैंड, a little more than when I met him first. So we have a very beautiful bonding and we are friends, we are companions. What is my plan after 10 years? Yani 10 saal baad mera kya plan hai? Main to pal ka nahi janti, agle pal ka nahi janti, kal ka nahi janti, to 10 saal baad ka maine kabhi koi plans banaye nahi hai. I just take life As the day comes, दिन की शुरुआत होती है तो नया दिन है, दिन अंत होता है तो शुक्रिया अदा करके सो जाते हैं, कल का दिन अच्छा हो। सो मैं कोई प्लान्स नहीं बनाती। मेरी वीकनेसेस बहुत हैं। एक तो मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, और ये मुझे मैं इस वीकनेस को, स्पेशली मीठे की वीकनेस को छोड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ये होता नहीं मुझसे। और एक मेरी वीकनेस है कि मैं अपना फोकस शिफ्ट कर लेती हूँ। और एक चीज़ मेरी, जो मेरे हस्बैंड को इरिटेट करती है, कि टॉपिक से भटक जाती हूँ, फिर से आओ कहाँ थी। तो आई एम अ राइटर, सो आई रिमूव सबट्रैक्ट्स एंड गो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली, माय हस्बैंड, ही इज़ माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। माय सिस्टर्स एंड माय ब्रदर, दे आर माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। माय फादर इन लॉ वाज अ वेरी बिग सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, वो जहाँ भी हैं वो हैं आसपास। माँ बाप तो खैर बच्चों के लिए हमेशा ही होते हैं, और मेरी मम्मी वॉज माई वेरी गुड स्ट्रेंथ, एंड शी यूज़ टू ऑलवेज एनकरेज मी टू डू एनीथिंग आर्टिस्टिक।
बहुत खुश होती थी। अगर मैं एक फूल भी बना दूँ तो उनको ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई मास्टरपीस बना दिया। सो माय स्ट्रेंथ इज़ माय फैमिली एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। माय फैमिली इज़ माय स्ट्रेंथ। मेरी जो भी मैं हूँ वो मेरी फैमिली की वजह से हूँ। मुझे अपने आप में क्या बदलना है, बहुत सारी चीज़ें। एक तो जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा टॉपिक से भटक जाती हूँ, वो बदलना है। दूसरा, मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सीरियस लेना चाहती हूँ। वो मुझे एडवाइस देते हैं, मैं उस वक्त सुन लेती हूँ, फिर दो दिन बाद फिर वो भूल जाती हूँ, फिर अपनी चीज़ें करने लगती हूँ। सो फोकस जो है ना मेरा शिफ्ट हो जाता है। मैं ये चेंज करना चाहती हूँ, मैं अपने फोकस पे बिल्कुल डटी रहना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे एक दो करीबी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि गुलफाम तुम्हें इतना टैलेंट है ना, तुम उस पर ध्यान दो, उसका कुछ करो। अब मैं कहती हूँ हाँ बट ये मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैसेज आप लोगों के लिए मेरा ये है कि दुनिया में बहुत खुशी है, इतने से गम है। बहुत अच्छाई है, इतनी सी बुराई है। बहुत पॉजिटिविटी है, इतनी सी नेगेटिविटी है। हम जो है ना वो इतने से पे कॉन्सेंट्रेट करके इसको बढ़ा रहे हैं। हम जो इतना सारा है ना उसको बढ़ा के इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। सो आपस में प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, प्लांट्स लगाना, लोगों की मदद करना, यानी चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करिए अपने लेवल पर। आप जितना भी कर सकते हैं, दिन में कोई भी एक चीज़ करिए जो अच्छा किया आपने बिना किसी सेल्फिशनेस के, और देखिए आपको एंड ऑफ द डे ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने किसी की मदद किया, मैंने कुछ किया, या मैंने किसी को रोड ही क्रॉस करवा दिया। छोटी छोटी अच्छाई में ना बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। सो आई लव यू ऑल